Hey, what's up guys and welcome back to another video. दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप MIUI 11 के अंदर ऐप ड्रॉर को कैसे इनेबल कर सकते हैं। कई लोग बोल रहे थे भाई कि बताओ MIUI 11 में कैसे ऐप ड्रॉर आएगा, क्योंकि 10 में तो पता था, अब 11 का क्या लोचा है। तो यहाँ पे मैं आपके लेके आ चुका हूँ इसी वीडियो को, और यहाँ पे आप जानेंगे कि MIUI 11 के अंदर आप ऐप ड्रॉर को कैसे इनेबल कर सकते हैं, विद सम एक्स्ट्रा अपडेट आए हैं उस ऐप ड्रॉर के अंदर, और अलग से यहाँ पे फीचर्स आपको देखने को बहुत सारे मिल जाते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि आगे जाके आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना कर दो। बेल आइकन जब दबाओगे तो उसे ऑल पे कर देना, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई भी वीडियो या फिर कोई पोस्ट अपलोड करूँ। तो अब दोस्तों ये जरूरी है भाई, इससे मोटिवेशन मिलता है, तो जाओ यार प्लीज़ हेल्प मी, सपोर्ट मी, अब जाके कर लेना। अब भाई मैं आपको वो ट्रिक बताता हूँ कि आपको ऐप ड्रॉर कैसे इनेबल करना है। अगर आप जाएंगे यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे जाके आप मोर पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं मिलती है जो आपको बताए कि भाई आप यहाँ से जाके स्विच कर सकते हैं ऐप ड्रॉर में या नहीं। तो क्योंकि भाई वो हिडन सेटिंग है, और ये जो लॉन्चर है वो भी MIUI का मतलब हिडन लॉन्चर कह सकते हैं इसे। तो दोस्तों मैंने आपको एक लिंक दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, टॉप पे जाइए, लिंक शॉर्टन वाला काम करिए, उसके बाद आप पहुंच जाएंगे मेरी वेबसाइट के ऊपर। वहां पे जाके आपको इसका MIUI का जो APK है लॉन्चर का, उसको डाउनलोड कर लेना है। वो अल्फा वर्जन है, पर प्रॉपरली नॉर्मल स्टेबल की तरह ही वर्क करता है। तो जाइए उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ से हम चल जाते हैं फाइल मैनेजर के अंदर, यहाँ पे डाउनलोड्स में मैंने उसको यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप यहाँ से जाके मतलब जहाँ भी आपका डाउनलोड फोल्डर है वहाँ से जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बेटा मिनट दोस्तों, फोकसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी। दोस्तों यहाँ से आपको जो APK है उसको इंस्टॉल करना है, जो टॉप वाला है। मैंने आपको एक लिख दिया, आपको सिर्फ वही वाला जाना है, और इसको डायरेक्टली सेटिंग में हम जाते हैं फाइल आओ, और यहाँ से इसको आपको डायरेक्टली इंस्टॉल करना है। मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मैं दोबारा नहीं करूँगा, आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है डायरेक्टली, और जो आपका काम है वो बन जाएगा। दोस्तों अब जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना, उसके बाद आपको प्ले स्टोर पे चले जाना है। दोस्तों यहाँ पे प्ले स्टोर पे आप चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो इसका नाम है क्विक शॉर्टकट मेकर, जो कुछ इस टाइप का होगा, क्विक शॉर्टकट मेकर। और इस ऐप को आपको ऐसे डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे एक्टिविटीज का टैब। अब आपको उसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली लॉन्चर टाइप करना है, और यहाँ पे इसको टिक कर देना है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, और लॉन्चर को यहाँ पे सर्च करके आपके लिए निकाल देगा। कई बार ये नहीं निकाल पाता, उसको थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप यहाँ पे नीचे जाके भी ढूंढ सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे लॉन्चर मिल जा, रुको यार दोबारा सर्च मारता हूँ। वाह भैया बहुत दिमाग है इसके अंदर। लॉन्चर सर्च करिए और ये आ जाएगा आपके सामने सिस्टम लॉन्चर। आपको यहाँ पे टैप कर देना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे हिडन मेन्यूज इसके अंदर से निकल आएंगे। अब दोस्तों अब अगर आप एक एक पे क्लिक करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि आपको उस वाली सेटिंग में कैसे जाना है। आपको यहाँ पे सबसे लास्ट वाला लिखा हुआ है होम स्क्रीन, तो आपको इस पर दबाना है, और यहाँ पे जो ऐसा मेन्यू आ जाएगा आपके सामने, आपको ट्राई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्राई पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे दो पेजेस आ जाएंगे, एक होगा रेगुलर और एक होगा विद ऐप ड्रॉर। और यहाँ पे अब मैंने जो है वो ऐप ड्रॉर सेलेक्ट कर रखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप ड्रॉर वाला सिलेक्टेड है। बट अब जब आप नया नया डालेंगे तो यहाँ पे रेगुलर होगा, तो यहाँ पे अगर आप रेगुलर पे चले जाते हैं तो देख सकते हैं आपका नॉर्मल वाला, जैसे रेगुलर वाला नहीं होता बिना ऐप ड्रॉर के, वो यहाँ पे आ जाता है। और अगर आप यहाँ से जाके वापस से चल जाएंगे विद ऐप ड्रॉर में और ओके करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही आपका ऐप ड्रॉर वाला आ जाएगा। तो अब हम थोड़े से फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ट्रिक आपको पता चल गई कि भाई कैसे आपको स्विच करना है दोनों के अंदर। तो अब हम जान लेते हैं भाई कि जो आपको फीचर्स क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। एक बार ये काम हो जाए ऐप ड्रॉर वाला, उसके बाद चाहे तो आप क्विक शॉर्टकट मेकर को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनके बारे में जो फीचर्स हैं। तो सबसे पहले जो पुराने APKs थे उसके अंदर जो ऐप ड्रॉर था वो ट्रांसपेरेंट कलर का था, बट इसमें आपको वाइट कलर का देखने को मिल जाता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे डार्क मोड जो है इनेबल कर देता हूँ, यहाँ से डार्क मोड अपने फोन के डार्क मोड का टॉगल कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो ऐप ड्रॉर है
वो भी ब्लैक हो जाएगा और आप डार्क थीम में अपने ऐप ड्रॉअर को यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही कमाल की बात है यार, मज़ा ही आ गया। ये फीचर बहुत ही कमाल का है, जैसे आप देख सकते हैं, मैं अभी यहाँ से लाइट मोड ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं ऐप ड्रॉअर जो है वो लाइट हो गया। अगर मैं यहाँ से डार्क मोड को टॉगल कर दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप ड्रॉअर जो है वो डार्क हो गया। तो मतलब एक बहुत ही कमाल का फीचर आपको देखने को मिल जाता है, जैसे बाकी फोन्स के अंदर नहीं होता कि भाई ऐप ड्रॉअर डार्क करने के लिए आपको डार्क मोड इनेबल करना पड़ता है, तो वो यहाँ पे आपको सिस्टम देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें, ये तो इसका पहला फीचर था, अब हम इसके सेकंड फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले डार्क मोड डिसेबल कर देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहली बात आप देख सकते हैं, अगर मैं चलता हूँ यहाँ के अंदर और सेटिंग में जाऊँ तो मोर में, तो सबसे पहला फीचर जो आपको अपने डिफॉल्ट लॉन्चर में ना मिलके इस लॉन्चर के अंदर मिलता है वो है आइकन साइज का। और यहाँ से जाके आप चूज कर सकते हैं कि आपको आइकन साइज एक्सेल रखना है, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, कौन सा एक्सेल रखना है, तो यहाँ पे आप जाके चूज कर सकते हैं। ये एक्सेल है और जो काफ़ी भद्दा सा लग रहा है, तो यहाँ पे मोर पे चलते हैं, आइकन साइज लार्ज कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल कर सकते हैं। तो मतलब आप पूरी तरह से देख सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल भी अच्छा लगता है और स्मॉल भी। एक आपको कस्टमाइजेशन का एक बहुत ही कमाल का आपको ऐप ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मैं इसको स्मॉल भी रखता हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है दोस्तों, वो जो है वो है शेक टू फिल एम्प्टी सेल्स। और शायद पुराने वाले में था, मेरे को कन्फर्म नहीं है, बट यहाँ पे आपको फीचर देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आपका कोई यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो अगर आप शेक करेंगे तो इधर आ जाएगा। अब ये पता नहीं भाई मेरे को कैसे काम करते हैं, मेरे पास याद नहीं है, चलो कोई नहीं। अब भाई इसके एक और फीचर की बात कर लेते हैं, इसका जो फोल्डर मेन्यू है उसमें यहाँ पे चेंजेस हैं। यानी कि फोल्डर मतलब यहाँ से हम जैसे एक फोल्डर बनाते हैं, आ जा, तो यहाँ पे फोल्डर बन गया। आप देख सकते हैं पहले तो फोल्डर का जो ग्रिड है वही थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट लग रही है, जैसे नॉर्मली होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। और अगर आप फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड ब्लर होता है और एक बहुत ही अगली एनिमेशन के साथ जो है फोल्डर ओपन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो पीछे वाला है वो हट जाते हैं और ये ऊपर आके आपको बैकग्राउंड ब्लर के साथ जो है फोल्डर देखने को मिल जाता है, जो भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कूल लगा मेरे को ये कॉन्सेप्ट। भाई ये जो ब्लर वाला सिस्टम है ना, बहुत ही कमाल का। और एक क्या आप देख सकते हैं, पीछे जाता है और ये आगे आता है और ब्लर होता है, भाई बहुत ही कमाल का। उन्होंने फोल्डर की टेक्निक भी यूज़ करी है, अब इसे हम अनफोल्डर कर देते हैं। बाकी तो भाई इसमें आपको सारे बाकी 3D टच वगैरह वगैरह सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल ही जाते हैं। तो भाई ये कुछ इसके अलग फीचर्स थे जो आपके मेन लॉन्चर में नहीं मिलते भाई। स्पेशली तो डार्क मोड में आपको ऐप ड्रॉ भी मिलता है, जो भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है, मज़ा ही आ गया यार, बहुत ही कमाल की बात है यार। बस यही थी आज की वीडियो, तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो और यही मैं आपको सारी जो टेक्निक्स है वो बताना चाहता था कि भाई आप MIUI 11 में अपने लॉन्चर के APK को मतलब कैसे, मतलब ऐप ड्रॉ कैसे ले सकते हैं उसके एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर इस लॉन्चर के अंदर कोई अपडेट आता है या फिर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो यार टेलीग्राम ग्रुप है ना भाई, अब वहाँ पे आपको इसका लिंक मिलेगा। वरना अगर कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा अपडेट आया तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, वरना आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसका सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है, आपको मैंने लिया लिंक, लिंक पे जाइए, टॉप वाला जो ग्रुप है भैया ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ को ज्वाइन कर लीजिए यार। काफ़ी भरे भर के इंटेलिजेंट मेंबर्स यहाँ भरे पड़े हैं, उनसे आप बातें बातें कर सकते हैं और जो भी टेक्निक सॉल्यूशन सबको चाहिए मैं अगर जवाब नहीं देता तो आप उनसे मांग सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं इस पे जवाब नहीं देता तो इंस्टाग्राम पे आओ यार, वहाँ मैं कन्फर्म आपको जवाब दूंगा। जाओ यार फॉलो भी कर लो और जवाब भी ले लो मेरे से। और साथ ही साथ यार मैंने एक पेज चालू करा है जिसमें मैं अपने ग्राफिक डिज़ाइन के नए मतलब सीख रहा हूँ मैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो वो मैं आपको जो सीखते सीखते डिज़ाइन मतलब प्रैक्टिस के लिए बनाता हूँ वो मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ, तो जाओ यार उसको भी फॉलो कर लो, इट्स अ रिक्वेस्ट, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। उसका नाम है एक्सट्रीम ग्राफिक्स और मेरा जो यूज़र है उसका नाम है कार्तिक बत्रा _, जाओ यार फॉलो कर लो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो भाई अब मेन बात, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो यार वीडियो को करें लाइक, अगर आप इस चैनल पर हैं नए तो चैनल को करें सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ, और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, फ्रेंड्स फैमिली, ताकि वो भी भाई आनंद उठा सके। उन्हें मेरे को मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग भाई हेल्प करते हो मेरी। और यार कोई भी आपका डाउट हो कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं, मेन बात। तो यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ आपसे नई वाली वीडियो में। बाय।